बाणगंगा टैंक, बहुत पुराना टैंक है ये। इसमें साल भर यहाँ का पानी आता है। बाणगंगा तालाब बीच में आप तालाब में डंडा देख रहे हैं, यहीं पर रामचंद्र जी ने तीर मारा था, सीता माता को ढूंढने आए थे। बाणगंगा टैंक है, प्राचीन चर्चा अवस्था में है। डैमेज अवस्था में है, काम चल रहा है इसका। बाणगंगा टैंक ये 5,500 वर्ष पुराना टैंक है। यहाँ रामचंद्र जी ने तीर चलाया था। वालकेश्वर में स्थित है ये, मुंबई में। ये मीठा पानी है, लोग इसका पानी पीते भी हैं, यूज़ करते हैं। और इसके बगल में समुद्र है, प्रशांत महासागर। वालकेश्वर का टैंक है ये, बहुत पुराना टैंक है ये। तालाब बाणगंगा टैंक बोलते हैं इसको। रामचंद्र जी ने तीर चलाया था यहाँ पे, उसी से ये बन गया था मीठा पानी। बाणगंगा टैंक यही वो जगह है जहाँ रामचंद्र जी ने बाण चलाया था। यहीं पे बांस काढ़ा गया है, इसी जगह रामचंद्र जी ने तीर चलाया था। ये बहुत डीप है, बहुत गहरा है यहाँ पे। बाणगंगा तीर यहाँ तक है रामचंद्र जी ने 5,000 वर्ष पूर्व तीर चलाया था यहीं से। पानी का श्रोता, एक पानी की धारा फूट निकली थी, इसीलिए उसको बाणगंगा तीर्थ बोलते हैं। ये वही जगह है जहाँ रामचंद्र जी ने तीर चलाया था। ये झंडा ये वहीं गाड़ा हुआ है, उसी जगह है, उसी स्पॉट पे गाड़ा गया है। ये देख सकते हैं पानी के अंदर, ये वही स्पॉट है। स्पॉट को चिन्हित करने के लिए इस पर ये बम उगाड़ दिया गया है, ये लकड़ी गाड़ी गई है। ये बहुत डीप है तालाब, बहुत गहरा है, मीठा पानी है, बगल में समुद्र है, खारा पानी है। रामचंद्र जी आज से कुछ 5,000 साल पहले आए थे यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे ये बाणगंगा तीर्थ की स्थापना की थी। ये कहते हैं कि यहाँ काशी का ही फल मिलता है, यहाँ लोग पिंड दान और तमाम तरह के अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि अनुष्ठानों का फल, इन अनुष्ठानों का फल काशी के समान ही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, इसका पानी बहुत शुद्ध पानी है। ये यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये छोटा मंदिर है, लोग यहाँ शाम को दीप जलाते हैं। ये पानी शायद चिड़ियों के लिए रखा जाता है, ये बहुत पुराना पत्थर है। ये चिड़ियाँ हैं, ये भी बहुत पुरानी है, काफ़ी प्राचीन काल की है। देख सकते हैं ऊपर जा रही है, डैमेज अवस्था में है। इसका रिनोवेशन का काम, वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है। ये बहुत 5,000 से एगो, इसकी एज 5,000 साल से पुराना है ये। ये देखिए चिड़ियाँ हैं, ये यहाँ लोग बैठ के इंजॉय करते हैं लाइफ का। बाणगंगा तीर्थ बोलते हैं इसको। रामचंद्र जी ने यहाँ तीर मारकर पानी पड़ा था। ये चारों तरफ समुद्र है, मुंबई का ये पॉश इलाका है। वालकेश्वर, वालकेश्वर मीन्स बालू, चारों तरफ बालू ही बालू थी, अब ये चारों तरफ पॉश इलाके में तब्दील हो गया है। ये
वालकेश्वर का इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका। और यहाँ पे रामचंद्र जी ने तीर चला के पानी भरा था। यहाँ पे तमाम तय अनुष्ठान होते हैं, झंडा वहीं गढ़ा जहाँ रामचंद्र जी ने तीर चलाया था। ये वही जगह है, वही जगह है, वही स्पेस है। वालकेश्वर का इलाका बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, एक गर्मी को मात दे रहे हैं, गर्मी को दूर कर रहे हैं। बीट द हीट, इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं। जस्ट दे आर एंजॉयिंग द लाइफ, वेरी गुड। यहाँ देखिए काम चल रहा है, यहाँ बालकेश्वर तीर्थ है ये। यहाँ कहते हैं रामचंद्र जी ने तीर चलाया था, यहीं पे झंडा गड़ा हुआ है, झंडा यहीं पे गड़ा। बाणगंगा, यहाँ कहते हैं रामचंद्र जी जब सीता माता को ढूंढने आए थे तो यहाँ बाण चला कर उन्होंने पानी निकाला था, मीठा पानी। बगल में समुद्र है लेकिन यहाँ पे इसका पानी मीठा पानी है। ये वही जगह है जहाँ रामचंद्र जी ने बाण चलाया था, इसको बाण गंगा बोलते हैं। ये देखिए ये स्पॉट वही है जहाँ रामचंद्र जी ने बाण चलाया था, इसी जगह बाण लगा था रामचंद्र जी का, और यहीं से पानी का छोटा फूट गया था, छोटा फूट गया था पानी का, पानी की फुब्बारा यहीं से बह निकली थी। अब इस जगह उन्होंने एक बम्बू गाड़ दिया है ताकि मालूम है कि ये वही जगह है, इसलिए इसको नाम दिया गया बाण गंगा। इसकी महत्ता यहाँ पर वही है जो बनारस की है, हिंदुओं के धाम बनारस की जो महत्ता है वही इसकी भी महत्ता है बाणगंगा। इसकी मरम्मत काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। ये मुंबई के वालकेश्वर इलाके में स्थित है, ये गवर्नर हाउस के नज़दीक है, काफ़ी डाउन है, नीचे सीढ़ियाँ हैं तब आना पड़ता है इसमें। ये समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ लोग खेलते रहते हैं बच्चे गर्मी को दूर करने के लिए। यहाँ बहुत काफ़ी फॉरनर भी आता है, हम देख सकते हैं यहाँ कुछ फॉरनर बैठे हुए हैं। ये जहाँ आते हैं ये तालाब 5,000 साल पुराना है, जब रामचंद्र जी आए थे, रामचंद्र जी के युग का तालाब है ये, बहुत पुराना तालाब है ये। इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं क्योंकि वो भी काफ़ी प्राचीन है। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, स्टैचूज हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं स्थापित की जाएंगी, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं ये। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ काम चल रहा है, पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर यहाँ पे सब लगाए जाएंगे, सीढ़ियाँ पे काम चल रहा है। देखा आपने सीढ़ियाँ कुछ बन गई हैं, ये देखिए सुंदर सीढ़ियाँ, यह है काम चल रहा है। बाणगंगा तालाब इसी को बोलते हैं, रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे।
बाल गंगा टैंक ये मुंबई के वालकेश्वर इलाके में स्थित है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना तालाब, 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पे रामचंद्र जी ने तीर चलाया था, वहीं से ये मीठा पानी यहाँ निकला था, इसीलिए इसको बाण गंगा टैंक बोलते हैं। ये वही जगह है जहाँ रामचंद्र जी ने तीर चलाया था। यहाँ पे ये खम्भा गाड़ दिया गया है, काफ़ी गहरा है, डीप है। यहाँ चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। बाण गंगा टैंक काम चल रहा है यहाँ। स्टैचू पुरानी मूर्तियाँ मांगा टैंक, यहाँ पे बच्चे नहाते हैं। ये मीठा पानी यहाँ पे है, ये समुद्र इसके बगल में है, लेकिन इसका पानी मीठा है। बाढ़ टैंक बोलते हैं इसको। रामचंद्र जी ने यहाँ बाढ़ चलाकर पानी निकाला था, बाढ़ गंगा टैंक है ये। आसपास कुछ पुराने मंदिर बने हुए हैं। बाण गंगा टैंक है, पुराने ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ। ये हेरिटेज साइट है, इसको 5000 वर्ष हो गया है। रामचंद्र जी ने यहाँ पे बाण चला के पानी निकाला था, ये वही जगह है। ये वहीं पे ये तंबू बंबू तना हुआ है। इसमें बतख भी है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। बाण गंगा टैंक है ये, तालाब है। यहाँ रामचंद्र जी ने तीर चलाया था, ये मुंबई के वालकेश्वर इलाके में स्थित है।